उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का पेपर रविवार को इंटरनेट मीडिया पर लीक होने के बाद प्रदेश सरकार और शासन तत्काल एक्शन में आ गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस प्रकरण में गिरफ्त में आए 23 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में हम नकल माफिया को ठहरने नहीं देंगे। अभी तक इस मामले में 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। इसके साथ ही इन लोगों की अवैध संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। हम इनकी सारी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर भी चलवाएंगे, ऐसा योगी आदित्यनाथ ने कहा। योगी आदित्यनाथ ने टीटी के पेपर लीक करने वालों के घरों पर सरकार का बुलडोजर चलाने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अब तक प्रदेश में 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके तहत इनमें गैंगस्टर के एक्ट तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस शरारत करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। टीटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए मुफ्त बस सेवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे निर्देश पर एसटीएस ने पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही प्रयास किया जा रहा है कि सभी परीक्षार्थियों को कहीं पर कोई परेशानी ना हो। पेपर लीक होने के प्रकरण पर प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने कहा है कि यूपी टीटी की परीक्षा पेपर लीक होने की सूचना मिली है। इस कारण दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। अब पुनः एक महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। इसके साथ ही इस प्रकरण में FIR दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। UPSTF को जांच के आदेश दिए गए हैं तथा दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पेपर लीक प्रकरण मामले में ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के मामले में प्रदेश के अलग अलग इलाकों से हमने लगभग 23 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से परीक्षा पत्र की फोटोकॉपी मिली है। इसमें शामली से पकड़े गए 3 मुख्य आरोपी भी शामिल हैं। शनिवार देर रात से ही UPTET का पेपर लीक होने के संकेत मिल रहे थे। ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार एवं बेसिक शिक्षा सचिव दीपक कुमार ने लोक भवन में पत्रकारों से कहा कि पेपर लीक होने की सूचना इंटरनेट मीडिया के माध्यम से शनिवार रात से ही मिल रही थी। गिरफ्तार 23 आरोपियों के पास पेपर की फोटोकॉपी व अन्य सामान मिला है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम जल्द सामने लाए जाएंगे। इसमें बिहार सहित अन्य राज्यों के साल्वर भी शामिल हो सकते हैं। दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 1 माह के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। परीक्षार्थियों को दोबारा आवेदन करने की कोई जरूरत नहीं होगी तथा इम्तिहान में जाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में मुफ्त किराया रहेगा। दीपक कुमार ने कहा कि परीक्षा एजेंसियों की भूमिका सामने आएंगी, उसे बदलने सहित अन्य निर्णय लिए जाएंगे। इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकार पूर्णतया पारदर्शी रवैया अपनाएगी।